हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पूर्णिमा एंड वेलकम टू एलेक्स सर। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लेक्स। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी इनकोडर्स और डिकोडर के बारे में, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मल्टीप्लेक्सर की। मल्टीप्लेक्सर एक वर्ड से मिलके बना है जिसे हम लोग कहते हैं मल्टीप्लेक्स। मल्टीप्लेक्स क्या होता है? मल्टीप्लेक्स यानी मेनी इंटू वन। बहुत सारी चीजों को जब हम लोग एक में कंबाइन कर देते हैं उसे हम लोग मल्टीप्लेक्स कहते हैं। तो मल्टीप्लेक्सर हमारा एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें हम लोग बहुत सारे इनपुट्स देते हैं और वो हमें सिर्फ एक आउटपुट देता है। यानी अगर हम लोग उसे ब्लॉक डायग्राम को देखें तो मल्टीप्लेक्सर में हम लोग 2 की पावर n इनपुट लाइंस देते हैं और वो हमें एक आउटपुट देता है। तो एक आउटपुट देता है तो उसमें ये क्या करता है, जब हम लोग 2 2 की पावर n इनपुट लाइन देते हैं तो मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, उनमें से कोई एक इनपुट को सेलेक्ट करता है, कोई एक इनपुट लाइन को सेलेक्ट करता है और फिर उसे आउटपुट में भेज देता है। तो सेलेक्ट करने के लिए हम लोग को जरूरत पड़ती है कुछ सेलेक्ट लाइन्स की। तो जिसने हम लोग 2 की पावर n इनपुट लाइन में जितना एन होता है उतने ही हम लोग सेलेक्ट लाइन देते हैं। तो ये एक उसका बेसिक ब्लॉक डायग्राम है। तो अब बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक मल्टीप्लेक्सर की जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो कि होता है 4 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर और 8 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर। तो 4 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर का मतलब क्या हुआ कि हमें 4 इनपुट दिए हैं और हमें एक आउटपुट मिलेगा, आउटपुट इसमें एक ही मिलेगा। तो हमने 4 इनपुट दिए हैं, ब्लॉक डायग्राम देखते हैं तो इनपुट का नाम हमने लिख दिया I0, I1, I2, I3 और हमें आउटपुट में एक मिल रहा है जो कि Y। तो यहाँ पे कितने सेलेक्ट लाइन हम लोग यूज करेंगे, तो 4 कैसे आया, 2 की पावर 2 से हमारा 4 आया। यानी 2 की पावर 2 में जो 2 है तो हम लोग यहाँ पर 2 सेलेक्ट लाइन दे देंगे। तो हमने 2 सेलेक्ट लाइन दे दी जिस 1 और S0 से। तो आई होप इतना समझ आता है। अब बात करते हैं क्या इन इनपुट लाइन से हमारा मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट डिपेंडेंट होगा? नहीं, हमारा मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट सेलेक्ट लाइन पर डिपेंडेंट होता है। यानी सेलेक्ट लाइन डिसाइड करती है कि हमारा कौन सा इनपुट आउटपुट में भेजा जाएगा। आई रिपीट, मल्टीप्लेक्सर में हमारी सेलेक्ट लाइन डिसाइड करती है कि हमारा कौन सा इनपुट सेलेक्ट होगा और उसको हम लोग आउटपुट में भेजते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी ट्रुथ टेबल की। तो जब हमारा आउटपुट S1 और S0 के डिपेंडेंट है या उस पर डिपेंडेंट है तो हम लोग तो टेबल भी S1 और S0 के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। तो ये 2 वेरिएबल की ट्रुथ टेबल बनेगी। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस 4 हमने लिख लिए हैं। तो अब अगर 0 0 जाएगा तो हमारा I0 इनपुट जाएगा आउटपुट में, अगर 0 1 होगा तो I1 जाएगा, 1 0 होगा तो I2 जाएगा एंड 1 1 होगा तो I3 जाएगा। तो हमने बात कर ली ट्रुथ टेबल की। अब बात करते हैं इसकी SOP एक्सप्रेशन की। तो हमें इसकी SOP एक्सप्रेशन लिखनी है। तो SOP एक्सप्रेशन यानी हमें सारी मिन टर्म्स लिखनी है और मिन टर्म्स में बार किस में अप्लाई होता है, जहां 0 होता है। तो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे S1 और S0 और फिर लिखेंगे अपना I0 यानी I0। तो यहाँ पर S1 और S0 दोनों 0 है तो हमने इन दोनों पे बार लगा दिया। दूसरा, हम लोग I1 के लिए अगर लिखते हैं एक्सप्रेशन तो क्या होगा, S1.S0I1, तो यहाँ पे हमें S1 पे बार मिलेगा। थर्ड एक्सप्रेशन में हमें क्या मिलेगा, S0 पे बार मिलेगा और फोर्थ एक्सप्रेशन में हमें किसी भी बार नहीं मिलेगा क्योंकि हमारी दोनों वैल्यूज 1 है। तो ये हमारी SOP एक्सप्रेशन तैयार हो गई। तो अब हम बात करेंगे कि हम लोग मल्टीप्लेक्सर का लॉजिक डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो लॉजिक डायग्राम बनाने के लिए हमें ना ट्रुथ टेबल की जरूरत है और ना ही उसके ब्लॉक डायग्राम की, हमें जरूरत है इसकी सिर्फ SOP एक्सप्रेशन की। तो सेम हमने क्या किया, अपने S1 और S0 इनपुट को लिख लेते हैं। S1 को लिख लिया और नॉट गेट का यूज करके उसका निगेशन भी कर दिया, सेम S0 के साथ भी कर दिया हमने, उसका निगेशन बना दिया। अब क्या किया हमने, इन दोनों का जैसे बार है, एस पहला इनपुट है हमारा, S1 S0 इन दोनों का बार और फिर I0। तो हमने क्या किया, S1 और S0 को उठाया और फिर हमने एक और अपना इनपुट भेज दिया जो है I0 और एंड से पास करा दिया। अब की बार S1 बार को और फिर S0 को और फिर हमने अपने उसके साथ में I1 भेज दिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, थर्ड में S1 और फिर S0 का बार। तो हमने S1 उठाया, फिर S0 का बार उठाया और फिर हमने एक और इनपुट है हमारा I2 है तो उसको बाहर से ले जाके यहाँ पे एंड गेट में पास करा दिया।
उसके बाद हमने क्या किया, लास्ट है हमारा S1 और फिर S0, तो हमने S1 और S0 और फिर हमारा है I3, तो I3 को भी लिया और हमने एंड गेट से पास करा दिया। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, S1, S0, I0 दोनों का बार, यहाँ पे मिल गया S1, S0, I1, इसमें S1 पे बार, यहाँ पे मिल गया S1, S0, I2, तो यहाँ पे S0 पे बार, तो इसमें हो गया S1, S0, I3, तो यहाँ पे किसी बार नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर कोई हमें जीरो नहीं दिख रहा था, तो हमने इसीलिए बार नहीं लगाया। तो अब क्या होगा, अब हम लोग वापस से इसको और गेट में पास कराएंगे क्योंकि हमारी एक्सप्रेशन SOP है, यानी सारे सम ऑफ प्रोडक्ट है, तो अब और से पास करा देंगे तो हमें y मिल जाएगा, तो हमने यहाँ पे y लिख दिया। तो आई होप आपको 4:1 मल्टीप्लेक्सर का लॉजिक डायग्राम कैसे बनता है अच्छे से समझ आया होगा। अब बात करते हैं 8:1 मल्टीप्लेक्सर की। तो अगर हम इसका ब्लॉक डायग्राम देखें तो हमें आउटपुट इनपुट कितने देने हैं, 8 इनपुट देने हैं, तो हमने लिख दिया I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, सेम जैसे हमने 4:1 में किया था, यहाँ पे 8 इनपुट है, वहां पे 4 थे, तो 8:1 मल्टीप्लेक्सर है, तो यहाँ पर 8 इनपुट यानी 2 की पावर 3, तो 3 ही सेलेक्ट लाइन हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, तो हमने 3 सेलेक्ट लाइन यूज कर ली। उसके बाद हमें आउटपुट में वाई मिल रहा है, तो सेम अब हम लोग हमने 3 सेलेक्ट लाइन यूज करी है, तो हमने 3 वेरिएबल की ट्रुथ टेबल बना ली है जिसमें पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं 8, तो हमने अपने 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लिख लिए। तो जब जब हमारा 0 0 जाएगा तो हमारा I0 जाएगा, फिर हमारा I1 जाएगा, तो जैसा हम 4:1 में कर रहे थे सेम वैसा ही हमें यहाँ पे भी करना है। अब हमें क्या करना है, सेम फिर से हमें इनकी SOP एक्सप्रेशंस लिखनी है, यानी मिन टर्म्स लिखने हैं, तो मिन टर्म में हमारा बार किस पे लगता है, जिस पे 0 होता है, तो हमने ये सारी मिन टर्म्स को SOP फॉर्म में लिख दिया है, यानी ये सारी हमारी मिन टर्म्स हैं और ये पूरी एक्सप्रेशन हमारी SOP फॉर्म में हमने लिख दी है। अब एट लास्ट हमें क्या करना है, इसका लॉजिक डायग्राम बनाना है, तो सेम वैसे ही हमारे 3 इनपुट थे S2, S1, S0, तो हमने तीनों को नॉट गेट का यूज करके उनके निगेशन भी बना लिए हैं। अब हम लोग अपनी एक्सप्रेशन को 1 बाय 1 देखते जाएंगे, अपनी हमारे मिन टर्म्स को, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग उतनी उतनी इनपुट लाइंस हम लोग एंड गेट से पास करा देंगे, जैसे हमने 4:1 मल्टीप्लेक्सर में किया था सेम वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने ये वाली एक्सप्रेशन उठा ली, ये इसको हमने एंड गेट से पास करा दिया, ये हमारी दूसरी एक्सप्रेशन हमें मिल गई, ये हमने दूसरी एक्सप्रेशन बनाई है, फिर ये हमारी तीसरी, एंड सो ऑन अप टू 7। आई होप ये समझ आ रहा होगा। अब हमें ये SOP टर्म थी, हमारा SOP फॉर्म था, तो हमें क्या करना है, इन सारे जो हमें एंड के बाद जो जितने भी आउटपुट लाइंस दिख रही है सबको हमें और गेट से पास करा देना है, तो हमने सबको और गेट से पास करा दिया, तो हमें आउटपुट में वाई मिल गया, यानी ये मिल गया, ये जो हमने ये फॉर्म किया है हमें ये मिल गया। तो आई होप ये समझ आया होगा। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करिए एंड प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।